हालेलुया, 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 अस्तुति हो, 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 अस्तुति हो राजा यीशु। प्रशंसा करते हैं पिता, महिमा करते हैं खुदा जी, आपका सम्मान करते हैं। हे महिमा मैं प्रभु ज्योतियों के पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए प्रभु से, अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले, सुंदर सुबह के साथ सुंदर शाम भी, सुंदर भोर के साथ सुंदर संध्या काल भी, सवेरा के साथ प्रभु जी, आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर भी आप हमें दिखाएं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक हम सेफ और सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी, हाँ हमारा परिवार भी, एक एक मसीह भाई बहन उनका पूरा फैमिली भी प्रभु चंगा बना है, स्वस्थ है, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। कुशल से प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आप अपने आँखों के पुतले की नहीं, हम सबों को संभाल करके रखे प्रभु, अभी तक संभाल करके रखे, धन्यवाद यीशु, आप महान हैं, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालने वाले पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं। अपनी महिमा में, कृपा में, ज्योति में, अनुग्रह में चलाने वाले पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो प्रभु परमेश्वर, स्तुति हो पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते मेरे आपा, मेरे फादर, धन्यवाद देते मेरे जीवन की ज्योति, मेरे जीवन के जल, मेरे जीवन के सहारा, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते सहायता के से, स्तुति हो पिता, आपकी महिमा करते। क्या लिखा है मेरे प्रियो, पहला ही होना एक अध्याय के 9 पद को पढ़िएगा, इसमें लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के सामने घुटना टेक करके सच्चे हृदय से, मन से, दिल से, हाँ दिल से अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने पापों को प्रभु के सामने माना, सच में वो प्रभु की ओर से अपने पापों से माफी पाया है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्षमा पाया है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या किए कुछ लोग, एक स्त्री को पत्थर मारते 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 प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उपदेश दे रहे थे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह से बोले कि मूसा ने कहा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कोई स्त्री पर विचार करते हुए पकड़ी गई तो उसे पत्थर मार करके ख़त्म कर दो। आप बताइए आप क्या कहते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहला पत्थर वही मारेगा जो कभी कोई पाप नहीं किया हो और पृथ्वी पर लिखने लगे, हालेलुया, वचन कहते हैं, बाइबल कहते हैं सब ने पाप किया है, हालेलुया, परमेश्वर से और क्या लिखा है, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। अगर हम सब पापी ना होते, हाँ ना होते, तो प्रभु यीशु मसीह को जगत में आने की ज़रूरत नहीं होता, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम सब के सब पूरा जगत पापी था, सो प्रभु यीशु मसीह आए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक बेविचारी पाप नहीं है, चोरी करना, हत्या करना, चुंगली करना, किसी की निंदा, शिकायत करना, ये सब पाप है, गाली देना, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या करना, डाह करना, किसी की किसी भी चीज़ का लालच करना, ये सब पाप है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इन सब में से हम बाहर निकले, शुद्ध मन पाए, हमारा विवेक शुद्ध हो, हम नाश होने से बचे जीवन पाए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, तुम में से जो कोई कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर स्त्री को मारेगा। और भूमि पर लिखने लगे, सब पत्थर को फेंक करके वहीं पर गिरा करके भाग गए। जितने भी लोग पत्थर मारते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास स्त्री को लाए थे, वो सब भागे। प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा था, सबने पाप किया है। सबके जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पूछे कि हे नारी, क्या तुझे कोई दंड नहीं दिया, मेरे फ्री हो? वो स्त्री ये नहीं बोली कि प्रभु मैंने पाप ही नहीं किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो क्या बोली, नहीं प्रभु, मुझे कोई दंड नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो स्त्री प्रभु के सामने भी मान ली कि मैं पापी हूँ, लेकिन कोई मुझे दंड नहीं दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को नर्म बनाना है। जो कोई अपने आप को नर्म बना लिया वो जीवन पा लिया। एक बार प्रभु यीशु मसीह समोन नाम के फरीसी के घर गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उस समोन नाम का फरीसी प्रभु से विनती किया कि प्रभु आप मेरे घर खाने पर आइए। प्रभु यीशु मसीह उसके घर खाने पर गए। जब वो खाना खा रहे थे तो एक पापनी स्त्री आती है, व्यभिचारिणी स्त्री आती है और प्रभु के सामने गिर करके उनके पाँव के आगे गिर करके क्या करती है, रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। क्या निकल रहा था, आंसू। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और उसके आंसू प्रभु के पाँव पर गिर रहे थे। वो अपने आंसू से प्रभु के पाँव धोने लगती हैं, बालों से पोछने लगती हैं, इत्र लाई हुई होती है उस इत्र को क्या करती है, प्रभु के पाँव पर ढल करके मालिश करने लगती है, प्रभु के पाँव को चूमने लगती है। हालेलुया, प्रभु क्या बोले, तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम अपने आप को प्रभु में नर्म बनाते हैं, पूरी तरह प्रभु के सामने सरेंडर करते हैं, शून्य बना देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में झांकता है और हमारे अंदर जो बुराइयाँ होता है, दुष्टता के काम, अधर्म की काम, गलतियाँ, अपराध, पाप, उन सारे को, हाँ उन सारे पापों को क्या करता है, प्रभु निकाल देता है और हमें माफ़ी देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम वचन को पढ़े, क्या लिखा है वचन में, अगर हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेते हैं तो क्षमा करने में, क्या लिखा है, और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने पापों को मान लीजिए, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ, पाप, अपराध, गुनाह हुआ हो, क्या करना है, प्रभु के सामने घुटना टेक करके पश्चाताप करना है, मान लेना है, कहना है प्रभु से, प्रभु आज मुझसे पाप हो गया, गलती हो गया, अपराध हो गया है, मुझे माफ़ कीजिए। और फिर विश्वास कर लेना है कि प्रभु माफ़ कर दिया, तो सच में आपको आपके पापों से माफ़ी मिल जाएगी, क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर से उस पाप को, गलतियों को दोहराना नहीं है। एक बार माफ़ी मिल गया तो फिर से क्या करना है, पाप नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पास जो कोई भी आता था, प्रभु उसको पापों से छुटकारा देता था, चंगाई देता था और एक कहता भी था कि फिर से पाप मत करना, फिर से दोहराना, फिर से मत दोहराना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से नहीं दोहराना है।
मेरे प्रिय, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, फिर से भविष्य में पाप नहीं करता, तो वो प्रभु की ओर से आशीषित व्यक्ति बन जाता है और वो अपने लाइफ में सफल होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड यीशु। मेरे प्रिय, सभोपदेशक में लिखा है, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सिर्फ भलाई के ही काम करे, हाँ भलाई का ही काम करे या किया हो, कभी उससे बुराई ना हुआ हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गलतियाँ, पाप, अपराध, दुष्टता के काम, अधर, गुनाह हो जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन क्या करना है? पश्चाताप करना है और फिर से वो गलतियाँ, पाप, अपराध, गुनाह, दुष्टता के काम, अधर्म के काम हमसे ना हो, इसके लिए हमें प्रभु के वचन को याद रखना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में बैठाना है, प्रभु के भय में जीना है। प्रभु के भय में जिएंगे, प्रभु से डरेंगे, कोई गलतियाँ, कोई पाप, कोई अपराध, दुष्टता के काम, अधर्म के काम नहीं होगा। हमेशा शुद्धता और पवित्रता में रहेंगे। और जो कोई शुद्धता पवित्रता में रहता है, शारीरिक नहीं आत्मिक रहता है, वो प्रभु को बहुत भाता है, बहुत बहुत बहुत, उसके ऊपर बहुत प्रभु प्रसन्न होते हैं। वो जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा, जब भी दुआ करेगा, जो कुछ के लिए करेगा उतर पाएगा। हर एक तरह से प्रभु उसका सहायता मददगार करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, मददगार को धन्यवाद देते हैं, सामर्थी प्रभु धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह की से, 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 अनुग्रह की से। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रभु कहता है, सुनो, मेरे सामने से अपने सारे बुराई को दूर करो, बुरे कामों को दूर करो, और भविष्य में पाप करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, उजले हो जाएंगे, या अग्रवाणी रंग के हो तो हिम के समान सफेद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय, अगर हम अपनी सारी गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को, दुष्टता के कामों को प्रभु के सामने मान करके छोड़ देते और फिर भविष्य में, फ्यूचर में कोई पाप नहीं करते, सच में प्रभु हमें क्षमा देता है, हमें हमारे पापों से माफ़ी देता है और हमें अनंत जीवन के मार्गों पर चलाता है। हालेलुया, अपनी महिमा में, अनुग्रह में, ज्योति में, कृपा में चलाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, सहायता मदद गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए प्रभु जी। पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उस सब के सब पे निश्चित अपने बिछौने में पूरे रात्रि सोने पाए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, परेशानी ना होने पाए, तकलीफ है ना होने पाए, किसी को डरावना बुरा सपना ना आए, किसी को रोग बीमारी उत्पन्न ना हो, किसी को शैतान ना छुए, दुष्ट करुण मनुष्य किसी के ऊपर वार ना करे, किसी के ऊपर कोई विपत्तियाँ ना पड़े, किसी के डेरा के निकट, घर के निकट कोई दुख ना आए, घर में, परिवार में प्रभु अशांति या कला कलेश ना हो। सहायता करना प्रभु से और अनुग्रह किए से प्रभु, हमारे जीवन में आने वाला जो कल है, समय है, घड़ी है, पल है, वक्त है, वो बीते हुए से कई गुना बढ़कर के आशीष, सुख, शांति, समृद्धि, चैन, आनंद, हर्ष, उमंग का होने पाए। आपकी इच्छा प्रभु, आपकी मर्जी कि हम एक और नए दिन को, प्रकाश को देखें और आपकी महिमा में चले और उसमें आपकी प्रशंसा करें, आपकी महिमा करें,
आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु कमेंट के माध्यम से। हाँ, कमेंट के जरिए जो लोग जो जन प्रभु से अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय दिए हैं, उन सबों की दी हुई बहन से भी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए प्रभु से, दृष्टि कीजिए और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब आपकी महिमा करे। धन्यवाद खुदा आप पे सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि किए और उत्तर भी दिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रशंसा करते हैं नासरी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। स्तुतियों में वास करने वाले यीशु राज, धन्यवाद देते हैं, महिमा में महान धन्यवाद करते हैं। प्रशंसा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। प्रशंसा हो प्रभु जी, आपका आदर करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। स्तुति हो पिता यीशु, धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस। प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखे प्रभु, आपने ध्यान दिया और उत्तर भी दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रार्थना विषय प्रभु जी आपके सामने रखे और आपने प्रभु जी आपके हजूरी में रखे, संगति में रखे, और आपने प्रभु ध्यान दिया, उत्तर भी दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए आज के शाम में, आज के संध्या काल में, आज के रात्रि के प्रभु जी आपके दिए हुए पल में, घड़ी में, वक्त में, समय में, जो कुछ प्रभु जी आपके सामने घुटना टेक करके आपसे मांगा, देने की कृपा कीजिए, ताकि वो आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद कि तूने दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु पर अपना विश्वास अटल बना करके रखिए। प्रभु को पता है कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है और वो आपके ज़रूरतों को पूरा करेगा ही, उससे लिपटे रहिए। चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी आए, प्रभु के मार्गों पर चलते रहना है। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।